दुश्मन के पीछे हो करके घुस जाते, ये कोई तरीका है? आपका डंडे खाने का यही मुख्य कारण है, आपको न्याय नहीं मिलने का ये मुख्य कारण है। थोड़ा समझो, जब आप संघर्ष में कहीं जाते हो, न्याय लेने कहीं जाते हो, तो अपनी दायरे में बने रहो, अपनी सीमा में बने रहो। जब आपको ये बात कही जाती है तो आप ढेर चाल चलने लगते हो, इधर उधर निकल जाते हो ढेर की तरह। ये पुलिस प्रशासन और सरकार का एक ही रवैया है, क्या है पता है आपको? ये आपको चुपचाप बिठाए रखना चाहती है। बैठो बैठो, रात होगी अपने आप सारे निकल जाएंगे। अब आपको एक ही निवेदन है कि जब तक कार्यकारिणी नहीं बनती, कार्यकारिणी बन रही है, आगे आपको क्या दिशा निर्देश मिलते हैं वो साझा पे कार्य करना है। आज हम जो हमारा छोटा भाई इंद्र मेघवाल, जिसकी शिक्षक के द्वारा हत्या कर दी गई, उसके न्याय के लिए सब पूरा समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। सभी पूरा बहुजन समाज के सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आप सबको जानकारी है कि हमारे और भी कई सामाजिक लीडर्स आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रशासन ने उनको यहाँ तक नहीं आने दिया। समाज के सभी साथियों के ये एक मन की दिली इच्छा है, क्योंकि भाई को न्याय मिले। एक छोटे बच्चे की हत्या केवल एक समाज के लिए नहीं, ये पूरी मानवता के लिए एक अपराध है। और इस अपराध के विरुद्ध हम शांतिपूर्वक तरीके से उसके न्याय की मांग करते हुए हम यहाँ से उस पीड़ित परिवार से मिलने सभी लोग शांतिपूर्वक सुराना जाएंगे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे और उन्हें ये एहसास कराएंगे कि उनका बच्चा, जो उन्होंने इतना बड़ा उनको नुकसान हुआ है, उनके साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरे लोग उनके साथ उनके इस दुख दर्द में शामिल हैं और उसके न्याय की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। ये थी कि जिस तरह सरकार ने उदयपुर घटनाक्रम में हत्या के मामले में 50 लाख और सरकारी दो दो सरकारी नौकरी बिना मांगे दी, हम यहाँ पर सरकार से यही मांग थी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और कम से कम पीड़ित परिवार में एक को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उस परिवार का भविष्य, एक बच्चा पढ़ लिख कर लायक होता और वो परिवार के लिए बहुत कुछ करता, तो कम से कम उसकी कुछ भरपाई हो। उस बच्चे को तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी कुछ क्षतिपूर्ति हो सके, ये सरकार से हमारी। अभी तक सरकार ने क्या मांगे मानी है? सरकार के स्तर पर अभी तक देखा जाए तो कोई न्याय संगत मांग नहीं मांगी गई है। जैसा कि राजनीतिक स्टंट के तौर पर ये कहा गया है कि पीसीसी 25 लाख रुपए देगी, पीसीसी अलग से, उदयपुर घटनाक्रम में सभी राजनीतिक पार्टियों ने और राजनेताओं ने अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारे सहयोग दिया, सहयोग राशि दी, तो यहाँ भी दे रही है। उससे हमें अच्छी बात है कि आप राजनीतिक इतनी स्तर पर वो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर क्या हुआ है? अभी सरकार में मंत्री आए हैं, सचिन जी पायलट आए हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? सचिन पायलट जी आए और सरकार के और भी कई मंत्री आए, विपक्ष के भी एक दो नेता आए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुल मिला के सरकार को बचाने का प्रयास, इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद सरकार अभी तक एक्शन मोड पे नहीं आई। जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी है, जिन्होंने इस मामले को 20 दिन होने के बावजूद भी संज्ञान में नहीं लिया, वो इंतजार करते रहे कि पीड़ित परिवार एफआईआर करवाएगा, उसके बाद संज्ञान में लिया जाएगा। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से राजनीतिक स्टंट था। सचिन पायलट जी जो खुद इस सरकार का हिस्सा हैं, अगर वो चाहें तो क्या उनकी सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी? लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी सिर्फ संवेदना प्रकट करने का काम किया है, अपना एक राजनीतिक स्टंट दिखाया है, इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। इसलिए जब तक हम आगे का, आगे की जो व्यवस्था है, आगे किस तरह से आगे बढ़ना है, उस पर बाकी साथी मंथन कर रहे हैं, तब तक आप सभी धैर्य बनाए रखें। आगे की रणनीति के बारे में आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। तो कृपया यहां पधारे। इसके अतिरिक्त अगर कोई भाई समाज के बीच में अपनी बात रखना चाहता है, सही शब्दों में, सही भाषा में, मर्यादित भाषा में रहकर कोई भाई